तो नमस्कार, आप देख रहे हैं पोल टॉक का यूट्यूब चैनल। मैं हूं संतोष कुमार पांडे। लगातार एक खबर बनी हुई है 3 दिन से कि प्रियंका गांधी बस चलाना चाहती हैं उत्तर प्रदेश में मजदूरों के लिए, जो उनको घर तक छोड़ के आएगी। और यह लगभग 4-5 दिन से मामला चल रहा है। उन्होंने एक वीडियो रिलीज किया जिसमें उन्होंने योगी आदित्यनाथ से इस बस को चलाने की मांग भी की। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूँ, ये राजनीति का समय नहीं है, हमारी बसें बॉर्डर पे खड़ी हैं। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश सरकार ने 2 दिन बाद उस मांग को मान लिया और उन्होंने मांग लिया कि आप हमें उन बसों की लिस्ट जो है उपलब्ध कराएं। बसों की लिस्ट उपलब्ध कराई गई और उन बसों में जब यह बात सामने आने लगी कि इसमें तो कई सारी बसें ऐसी हैं जो 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, कार, इनकी जो है सूची चली गई है। अब रोचक बात यही बन जाती है, तो आपको पता होगा कि इसका मसाला कहां कहां चल सकता है। मीडिया में चला, नेताओं ने चलाया कि प्रियंका गांधी ने गलत लिस्ट दे दी, लिस्ट उन्होंने जो दिया वो बसों की नहीं थी। आइए जरा आज आपको हम एक बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं और हमेशा मीडिया में छाए रहते हैं, प्रखर वक्ता बताए जाते हैं वगैरह सारी बातें हैं। उनका नाम है डॉक्टर संबित पात्रा। डॉक्टर संबित पात्रा ने सबसे पहले, मुझे लगता है कि उन्होंने सारी लिस्ट जो है जारी कर दी कि ये वो बसें हैं जिनको प्रियंका गांधी बस बता रही हैं, और ये तो ऑटो हैं, एम्बुलेंस हैं, ट्रैक्टर हैं, तमाम तरह की बातें कर दिए। तो हमें लगा कि जरा इसको देखा जाए वाकई में इन नंबरों में क्या जो संबित पात्रा कह रहे हैं वो सही है, क्योंकि बड़े नेता हैं और बड़ी जिम्मेदारी है उनकी। देश में हर लगभग हो सभी चैनल्स पे घंटों घंटा बैठते हैं, बहस करते हैं, कई सारे मुद्दों पे अपनी राय रखते हैं। तो मुझे लगा कि थोड़ा सर्च किया जाए कि वाकई में क्या ये प्रियंका गांधी की तरफ से गलती हुई है या जानबूझ के किया गया है या इनकी तैयारी नहीं थी कि योगी ऐसा करेंगे और वहाँ से मांग लिया गया तो मामला फंस गया। जो भी बातें हों, एक बात मैं आपको तय कर दूँ या बता दूँ, आपको भी पता होगा कि हमेशा प्रियंका गांधी वाड्रा कहती आई हैं कि उनके जो गुरु हैं वो हैं अशोक गहलोत, और अशोक गहलोत राजस्थान सरकार में मुख्यमंत्री हैं। दूसरे मुख्यमंत्री हैं पंजाब के, जिनका नाम है आप जानते हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। ये दोनों बुजुर्ग और बहुत ही मजबूत पिलर हैं कांग्रेस के, और इन दोनों की तरफ से बसें जा रही हैं, दिल्ली की तरफ से बस जाने की बात की जा रही है। तो जरा आज हम संबित पात्रा के उन दावों का चीरफाड़ करते हैं कि आखिर जो संबित पात्रा जी ने कहा उसमें निकला क्या, क्या वो सही कह रहे थे। रिपोर्ट आइए जरा आपको दिखाते हैं वो रिपोर्ट। संबित पात्रा ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि प्रियंका वाड्रा ने जो तथाकथित बसों की लिस्ट सौंपी है उसमें काफी गाड़ियां अनफिट हैं, कुछ एम्बुलेंस हैं, कुछ कार, कुछ ट्रैक्टर और कुछ स्कूटर हैं। ये बात खुद ट्विटर पर ट्वीट किया है संबित पात्रा ने। अब जरा उनके नाम को हम देखेंगे तो उनकी तहकीकात जब करेंगे तो चीजें साफ नजर आने लगेंगी। उन्होंने 6 गाड़ियों का नंबर जारी किया है, उन 6 गाड़ियों को जरा आपको हम दिखाना चाहते हैं। RJ27PA9852, जिसको ये बता रहे हैं कि एम्बुलेंस है, जिसको संबित पात्रा की अगर बात मानी जाए तो उसको ये एम्बुलेंस कह रहे हैं। लेकिन जब हमने इसको vahan.nic.in जो भारत सरकार की साइट है जहां से आप अपने वाहन की एक्टिविटी देख सकते हैं, हमारा वाहन ये किसका है, सारी बातें आप देख सकते हैं, उस पर जब जाके मैंने सर्च किया तो नतीजा कुछ और आया। वहां यह गाड़ी है मोनिका अरोरा जी की, जो बस है, जो हैवी पीवी है, एचपीवी है, लाइट व्हीकल नहीं है, और ये बस है डीजल की चलने वाली है। अशोक लेलैंड की ये बस है और फिट का फिटनेस 9 अक्टूबर 2021 है, जो 2019 में उन्होंने कराया था। यह बस निकली, एम्बुलेंस नहीं है, पूरी तरह से फिट है और इसको हम चला सकते हैं। यह झूठ निकला संबित पात्रा जी का। संबित पात्रा जी यही नहीं, और आगे जरा आप देखिए, आपको आगे बताते हैं कि संबित पात्रा जी कैसे बरगला रहे हैं देश को, क्योंकि इनके बड़ी संख्या में फॉलोअर हैं। तीसरे नंबर की गाड़ी इनकी है RJ40PA0186, जिसको ये 3 व्हीलर बता रहे हैं, जिसको संबित पात्रा के ट्वीट से अगर माना जाए तो उसको ये 3 व्हीलर बता रहे हैं। और ये बस है, ये बस किसकी है, राजेश ट्रेवल्स के नाम से ये बस रजिस्टर्ड है, और जो टाटा मोटर्स की गाड़ी है, टाटा की गाड़ी है, इसका जो
इसका जो इंश्योरेंस अप टू डेट है 14 नवंबर 2020 तक है, और इसका फिटनेस भी 30 सितंबर 2019 तक था जो अनफिट हो गई है। ये बात हो गई फिटनेस की, लेकिन ये बस निकली है और इसकी आरसी एक्टिव है, जिसको संबित पात्रा बता रहे थे कि ये थ्री व्हीलर है। दो गाड़ियों का हमने आपको बता दिया, छह गाड़ियों का हमने जिक्र किया है। अब जरा हम चौथी गाड़ी की तरफ चलते हैं, जिसको ऑटो रिक्शा कह रहे हैं, RJ40PA0123, जिसको ऑटो रिक्शा बताया जा रहा है जैसा इन्होंने लिखा है। अब उसको जरा हम जान लेते हैं कि चौथी गाड़ी की जिक्र, जिसको समित पात्रा ने ट्विटर पे ट्वीट किया है जिस नंबर को लेकर के, उसका जरा चीरफाड़ करते हैं। जरा हम आपको दिखाते हैं RJ40PA0123, जिसको ऑटो रिक्शा बताया जा रहा है, और इसकी चर्चा हम आपको करके बताते हैं। ये राजेश ट्रेवल्स की गाड़ी निकली और ये बस है, डीजल की गाड़ी है, टाटा मोटर्स की गाड़ी है। 2021 14 मार्च तक ये फिट है, इसके फिटनेस है, और ये 2019 में कराया गया है, ये एक्टिव है। ये बस निकली, अब आपको हमने दिखाया कि कैसे संबित पात्रा जी झूठ बोल रहे हैं, और या इन्होंने अध्ययन नहीं किया। अब संबित पात्रा जी से ये सवाल कोई कर सकता है क्या? उन्होंने जितनी गाड़ियों की चर्चा की है, जिन गाड़ियों को ये ऑटो बता रहे थे, जिन गाड़ियों को अनफिट बता रहे थे, और जिन गाड़ियों को ये एम्बुलेंस बता रहे थे, वो बस निकली। 1000 बसों में आपने 10 बसों को दे दिया, 10 बसों का आपने डेटा दिया, जिसका मैंने एनालिसिस किया। संबित पात्रा ने अपने ट्विटर पर और भी कई सारी 10-12 गाड़ियों का इन्होंने ट्वीट किया है नंबर, जिसको मैंने देखा वो वाकई में ऑटो रिक्शा निकले, और उसमें कुछ स्कूटर भी हैं। लेकिन 1000 की जो लिस्ट है, उसमें अगर हम 20 गाड़ियों को हटा देते हैं, तो हम मान सकते हैं कि इसमें गलती हुई है। लेकिन हम 20 गाड़ियों की वजह से पूरी बसों को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि बात वहां है मदद करने की। अब आप बताइए, इन गाड़ियों का जिनका इन्होंने ऑटो रिक्शा और जिसको एम्बुलेंस बताया था, उसको क्या निकला? उसमें निकली बस। अब आप इनको जरा पूछ सकते हैं कि इन जैसे नेताओं से कि आप देश को क्या करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, आप कहां गुमराह कर रहे हैं और किसको गुमराह करना चाहते हैं? ये बनाया है, आप देखें इसको। ना तो हम कांग्रेस की तरफ हैं, ना हम भाजपा की तरफ हैं। हमारा काम है पत्रकारिता करना, और हमने आपको बता दिया कि जिन गाड़ियों को एम्बुलेंस बताया जा रहा है, अनफिट बताया जा रहा है, वो गाड़ियां बस निकली हैं। तो दोस्तों, यह वीडियो लोगों तक पहुंचाएं, अपने कांग्रेस भाजपा संबित पात्रा को भी मैं खुद टैग करूंगा कि जरा वो भी देखें इसमें गलतियां कहां हो रही हैं और क्यों करना चाहते हैं। .nrc.in से हमने इसको निकाला है, जो आपके काम का वीडियो है। अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। लगातार ऐसे वीडियो हम आपको दिखाते रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।